जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 17 अगस्त को मतदान होने जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम प्रशासन के न्यायालय में 3 दिन तक जिला पंचायत सदस्यों के लिए विभिन्न वार्डों के लिए नामांकन प्रक्रिया चली। बुधवार को जिला पंचायत सदस्यों के लिए लगभग 34 प्रत्याशियों ने एडीएम प्रशासन के न्यायालय में अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, तो वहीं वार्ड 5 जिलारी के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें नसरीन फातिमा, शावेज जयवीर, रामवती, तफस्सुम बेगम, विनीत, काशिफ हुसैन, मुस्तफा अली, ऋतुराज, सुभान, सोमवीर ने अपने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम प्रशासन की कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयवीर यादव। जयवीर जी, आपने आज ये नामांकन कराया है, किस वार्ड से कराया है और किस पद के लिए कराया है? वार्ड नंबर 5 है, ब्लॉक जिलारी जागरद्वारे में वार्ड नंबर 5 है, डस्टिया था उसमें लगा हुआ, नगर पालिका बनी है, उसके वोट जो था नगर पालिका में था, नगर पालिका होने से अब दोबारा उपचुनाव हो रहा है, उसमें मैंने वार्ड 5 से जिला पंचायत के लिए जो अपना नामांकन कराया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद है कि जनता मुझको जो है अच्छा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? मुद्दे का आजकल हमारे ठाकुरद्वारे में MP विधायक बहुत बने, मगर काम गाँव में गया था, बहुत गांव की स्थिति खराब है। कल मैं एक गांव में गया, मैंने फोटो खींचे, फोटो गारे में मैं जो है घर घर नहीं पहुँच पाया, इतना गारा था। 3 आजाद हुए, इतने दिन हो गए, मगर अभी लोग हमारे गारे में और बुरी हालत है समाज में, पता नहीं क्या करते हैं। नेता बाजे बहुत करते हैं, काम नहीं करते, इसलिए मुझे खुद मैदान में घुसता हूँ। विकास और का मुद्दे को लेकर? हाँ, विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। आपको किसी पार्टी का समर्थन कराते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? देखिए, अभी कोई पार्टी ऊपर से आदेश है, किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं उतरेगा, व्यक्तिगत नेता अपने अपने नेता हमने लड़ा रहे हैं, अभी तक अब आगे हैं, नेताओं की इच्छा है, सबसे जो है सब चल रहा है, पर देखते हैं कौन किसको लड़ाता है। ओमवीर से। ओमवीर जी, कौन से वार्ड से आपने नामांकन कराया, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? क्या मुद्दे रहे हैं? विकास के मुद्दे हैं। अच्छा, आपको किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त है या आप आजाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दा रहेगा आपका? विकास का मुद्दा। क्षेत्रीय जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील, वोट देकर वोट सपोर्ट करते हैं और वोट अच्छी रहना चाहिए। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ज्यादा। तो वहीं वार्ड 13 मुरादाबाद में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी नीरज, अकीला, कासिम, महबूबा, दशरथ, भोले सिंह, अजयपाल सिंह, विनोद कुमार सिंह, श्रवणा कुमार ने एडीएम प्रशासन की कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल किया। हमारे प्रापुर ब्लाक प्रमुख श्री जाकिर हुसैन, जो 2 बार प्रमुख रह चुके हैं ब्लाक डिलारी से, उनकी धर्मपत्नी है तफसुम बेगम, इन्होंने समाजवादी पार्टी, बल्कि ये समझिए कि माननीय विधायक जी नवाब जान खान की उसमें मतलब पर्चा भरा गया। मतलब समाजवादी पार्टी का समर्थन आपको? हाँ, समाजवादी पार्टी का समर्थन है। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे रहेंगे जैसे पहले ब्लाक प्रमुख रह के 2 बार प्रमुख साहब ने, जाकिर भाई ने विकास किया क्षेत्र का, वैसे ही वार्ड नंबर 5 से अगर जनता मौका देती है तो ये भी विकास का काम। क्षेत्रीय जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से ये अपील है कि सारे कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट हैं, सबकी छवि देख लें, अगर छवि हमारे कैंडिडेट की अच्छी है, साफ सुथरी छवि के, पहले भी आजमा चुके हैं और इस बार भी जनता आजमाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएगी। चौहान ऋतुराज जी, कौन से वार्ड से आपने नामांकन? वार्ड नंबर 5। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में? बस जो लोग परेशान हैं, कमज़ोर हैं और जो हमारी BJP सरकार की नीतियाँ हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी परेशानी हमारे वार्ड नंबर 5 के क्षेत्र के लोग हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे जितना भी समय बचा है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा बस यही है, जितना भी हो सके सबका साथ सबका विकास, जो हमारी सरकार की नीतियाँ हैं। अच्छा, भाजपा का आपको? जी, BJP प्रत्याशी। तो वहीं जिला पंचायत सदस्य असमोली व मुरादाबाद के वार्ड 16 से लगभग 14 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें खेमपाल, रुखसार, जयवर्धन, ओमवीर सिंह, महशार, मोहम्मद अनस, बाबू अली, नवाब, राबिया खातून, नाजमा, मनोज सिंह, तुलाराम, काजल ने एडीएम प्रशासन की कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल किए। अच्छा, भाजपा समर्थित प्रत्याशी? हमारे फादर पार्टी से ही जिला पंचायत सदस्य जीते हुए हैं वहाँ से। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? चुनाव में मुद्दे यही है, जनता का अधिक से अधिक मदद करनी और जो क्षेत्र का विकास जो पापा से रह गया हमारे, मैं उनको पूरा करूँ। अच्छा, अपने पिता के मिशन को पूरा करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता का यही हो, अधिक से अधिक, जैसे पिछली बार उन्होंने भारी मतों से जिताया था,
इसी तरीके से इस बार भी वो हमें पूरा सहयोग दिया। विनोद कुमार से, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 13। किस पद के लिए? जिला पंचायत के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? जी, जो हमारे यहाँ का जो विकास जो है, बेस विकास कुछ नहीं है, जब और सारा का सारा डेवलपमेंट कुछ नहीं है, जो है वो चले गए, अब जो रह जाता है वो ही विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर जी, क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से अपील है कि दुआ करें और मुझे वोट देकर कामयाब बनाए। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद अनस। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड नंबर 16 है भाई। समाजवादी पार्टी से। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के मुद्दे भी रहेंगे ना। क्या वो अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? अपील क्या करना चाहेंगे? विकास कराएंगे, काम कराएंगे, बनेंगे तो ठीक है। वहीं एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने जिला पंचायत के उपचुनाव की आगे की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी। जिला पंचायत के 3 वार्डों का निर्वाचन अनुसूचित है। वार्ड संख्या 5 जिसमें 11 नामनेशन प्राप्त हुए हैं, वार्ड संख्या 13 जिसमें 9 नामनेशन प्राप्त हुए हैं, वार्ड संख्या 16 जिसमें 14 नामनेशन प्राप्त हुए। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे कल जो है स्क्रूटनिंग है, नामांकन पत्रों की कल जाँच होगी। नामांकन पत्रों की जाँच के बाद 10 को नामांकन पत्रों का स्क्रूटनिंग, 9 को नामांकन पत्रों का स्क्रूटनिंग और 10 को नाम वापसी तथा चुनाव चिन्ह नामांकन का कार्यक्रम है। 17 तारीख को मतदान है। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे वो 17 को उनका निर्वाचन संपन्न होगा। वोटों की गिनती क्या होगी? वोटों की गिनती ब्लॉकवार होगी। जिस ब्लॉक मुख्यालय पर ये जिला पंचायत के सदस्य का वार्ड आता है उसी मुख्यालय पर होगा। जैसे मुरादाबाद में होगा वार्ड संख्या 16 का, वार्ड संख्या 5 की मतदाता मतगणना डिलारी में होगी, वार्ड संख्या 16 की ब्लॉक ये मुरादाबाद ब्लॉक में होगी और ब्लॉक 13 की मतगणना जो होगी 13 भी मुरादाबाद में, वार्ड 13 और वार्ड 16 की मतगणना मुरादाबाद ब्लॉक में होगी।